हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द डिजाइनर गैलरी। आज मैं आप लोगों के पास इस तरह का डिजाइन पैटर्न लेके आई हूँ। ये मैंने मल्टी कलर्स ऊन में बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा डिजाइन है। काफ़ी लोग सोचते हैं मल्टी कलर ऊन लेके आते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब इस पे कौन सा डिजाइन बनाया जाए कि अच्छा लगे। तो मैं आज आप लोगों के पास इस तरह का डिजाइन लेके आई हूँ जो मल्टी कलर भी स्वेटर में डाल सकते हैं और प्यारा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये उभरा उभरा सा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। और इसे मैंने एक ऐसे सिंगल कलर भी सादे कलर ऊन में भी बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी ये आप किसी भी कलर के ऊन में बनाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस कलर के ऊन में बनाया है, ऑरेंज कलर में। आप वाइट में बना सकते हैं, क्रीम में बना सकते हैं, ग्रीन में बना सकते हैं, किसी भी कलर के ऊन में बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें इसे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड्स, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरह का डिजाइन पैटर्न। देखिए, मैं पहले सिलाई जो है हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे, ऐसे करके पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा बनाएंगे। इस तरह से पूरा सिलाई को, ये पूरी सिलाई को उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रॉन्ग साइड की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। उधर पूरा उल्टा मैंने बनाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर एक फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे। उतारने के बाद फ्रेंड्स, ये दो फंदों को, फिर तीन फंदों को हम उल्टा ऐसे बना लेंगे। तीन फंदों को उल्टा बनाने के बाद फंदे को पीछे करेंगे और दो, एक फंदे को इस सिलाई में उतारेंगे और दो फंदों को हम एक कर लेंगे। ऐसे दो फंदों को एक करने के बाद इस फंदे को इस पे ऐसे चढ़ा देंगे, फंदे को आगे करेंगे, फिर एक, दो और ये तीन, तीन जालियां बनाएंगे। फिर हम आगे की तरफ करेंगे, फिर ये तीन फंदों को, एक दो तीन, तीन फंदों को हम एक कर लेंगे, एक फंदा बना लेंगे तीन फंदों को। फिर फंदे को आगे करेंगे और तीन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, ऐसे करके तीन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। फंदे को पीछे करेंगे, एक फंदे को इस पे उतारेंगे और दो फंदों को फ्रेंड्स इस तरह से ऐसे करके बुनेंगे और एक फंदे को इस पे से ऐसे उतार लेंगे। फंदा आगे करेंगे, एक को हमने बनाया एक जाली, ये दो जाली और ये हमारी तीसरी जाली है और ये हमारी चौथी जाली है। ये तीन फंदों को हम एक फंदा करेंगे, ऐसे करके इस तरह से तीन फंदों को एक फंदा करेंगे। अब फिर तीन तीन फंदों को हम ऐसे करके उल्टा बना लेंगे। ये हमारे तीन फंदे बच गए हैं, इसे भी हम ऐसे करके दो फंदों को ऐसे बनाएंगे, फिर एक फंदा को ऐसे उतार लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड की बुनाई है फ्रेंड्स। इसे हम एक फंदे को ऐसे उतार लेंगे। बाकी ये जो तीन फंदे हैं जिसे हमने इधर उल्टा बनाया था, उसे हम रॉन्ग साइड में सीधा बनाएंगे। एक, दो, तीन, ये तीन फंदों को हम सीधा बनाएंगे। अब बाकी जो नौ फंदे हैं, जो हमारे जाली वाले नौ फंदे हैं, उसे हम उल्टा बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये एक नौ। नौ फंदों को हमने उल्टा बनाया, फंदे को पीछे करेंगे। अब तीन फंदों को जो आगे से हमने जिसे उल्टा बनाया था, उसे हम इधर से सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फंदे को पीछे करेंगे, फिर से नौ फंदों को हम क्या करेंगे, उल्टा बना लेंगे, ऐसे करके इसे हम उल्टा बनाएंगे, ऐसे करके उल्टा बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये तीन फंदों को हम सीधा बनाएंगे। सीधा बनाने के बाद एक फंदे को हम इधर से पीछे की तरफ करके उल्टा बना लेंगे।
अभी हमारी राइट साइड की बुनाई आ गई। एक फंदा हम उठाएंगे, अब तीन फंदे जो हमारे उल्टे चले आ रहे हैं उसे हम उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन। अब फ्रेंड्स ये इसको जो नौ फंदे हैं इधर से भी हम पूरा उसे सीधा बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये नौ फंदों को हमने सीधा बनाया, फंदा आगे किया। अब इस तीन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, फंदा पीछे, फिर नौ फंदों को हम सीधा बनाएंगे इस तरह से, ऐसे करके सीधा बनाएंगे फ्रेंड्स। अब हमारे तीन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और एक फंदे को हम ऐसे करके सीधा बुनना। ये हमारी रॉन्ग साइड की बुनाई आ गई है। रॉन्ग साइड की बुनाई में एक फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इधर इधर जो तीन फंदे सीधे जा रहे हैं सीधे पे सीधा बनाएंगे, और उल्टे पे जो है जो नौ फंदे हम उल्टे बना रहे हैं उसे उल्टा बनाएंगे और सीधे पे सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमारी रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम राइट साइड में आएंगे। राइट साइड में आने के बाद फ्रेंड्स फिर से हम रिपीट करेंगे ऐसे करके, फिर तीन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, और जैसा कि सबसे पहले हमने बनाया था एक फंदे को इस सिलाई में लेके और दो फंदों को बना के फिर से ऐसे करके फिर जालियां डालेंगे, एक दो तीन, और चौथे जाली में हम तीन फंदों को लेके एक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फंदे को आगे करेंगे। आगे करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से तीन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और एक फंदे को ऐसे इस सिलाई में लेके दो फंदे को हम ऐसे बनाएंगे, और फिर ये पहले फंदे को इस पे चढ़ा के उतार लेंगे, फंदा आगे करेंगे और जाली बनाएंगे, एक दो तीन, और चौथी जाली में हम तीन फंदों को एक करेंगे। देखिए इस तरह से फंदा आगे करेंगे। आगे करने के बाद फ्रेंड्स तीन फंदों को उल्टा बनाएंगे और एक फंदे को सीधा बना के ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड में हमें जो सीधी चोटी जा रही है इस पर हमें सीधा ही बनाना है, बाकी जो नौ फंदे हैं उसे हमें उल्टा बनाना है। रॉन्ग साइड में हमें ऐसे ही रिपीट करना है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी राइट साइड की बुनाई आ गई है। राइट साइड में फ्रेंड्स इस तरह से करके हम तीन फंदों को ऐसे उल्टा बनाएंगे, बाकी जो हमारे नौ फंदे हैं हमें सीधा बनाना है। हम तीन फंदों को उल्टा बनाएंगे, बाकी फिर नौ फंदों को सीधा बनाएंगे, फिर तीन फंदों को उल्टा बनाएंगे, ऐसे करके हमें पूरे 13 रो को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे 13 रो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फिर से राइट साइड में आ गए हैं। राइट साइड में आने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो हमने तीन फंदों को उल्टा बनाया था उसे हम क्या करेंगे, देखिए एक फंदे को हम आगे करेंगे और इस पे जाली बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन जालियां बनी, फिर फंदे को आगे करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स पहले स्टार्टिंग में हमने एक फंदे को ऐसे उतारा था और दो फंदों को बीनने के बाद इसको इस पे एक कर लिया था, लेकिन अब की हमें वैसा नहीं करना। अब की जो हमने इस इधर किया था जो तीन फंदों को एक किया था वैसा हम तीन फंदों को एक इधर से करेंगे आगे की तरफ से। अब फंदे को आगे करेंगे और तीन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। तीन फंदों को हमने उल्टा बना लिया। अब देखिए फ्रेंड्स पहले तो हमने यहाँ पे किया था कि एक फंदे को उतार लिया था, फिर दो फंदों को एक किया था और फिर उसे भी उस पर चढ़ा के एक बना लिया था, तो वो इधर किया था और इधर तीन फंदों को हमने एक किया था। तो अब की हमने क्या हमें क्या करना है, लास्ट में जब फ्लावर को हमें बंद करना है तो हमें क्या करना है कि तीन फंदों को हमें इधर बंद करना है और एक को ऐसे इस सिलाई में उतार के दो फंदों को ऐसे बीन के और फिर इसको ऐसे उतार लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने
तीन फंदों को उल्टा बनाया था बीच में, इस पे अब हमारी जाली बनेगी। अब ये फ्लावर जो है अब इसके ऊपर बनेगा, एक दो तीन, तीन तीन हमने बनाया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चौथे पे हम क्या करेंगे, तीन फंदों को एक करेंगे, ऐसे करके फंदा आगे करेंगे और तीन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, फंदा पीछे। फिर फ्रेंड्स इसको एक को हम ऐसे स्लैप कर लेंगे, फिर और ऐसे करके दो फंदों को एक करेंगे, फिर इसको भी इसी पे गिरा देंगे, फंदे को आगे करेंगे। अब यहाँ पे एक दो और ये तीन, इधर कोई फंदा नहीं है तो इसे हम ऐसे करके बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये फ्लावर जो है, ये फ्लावर अब यहाँ पे बनेगा। ये रॉन्ग साइड की बुनाई हमारी आ गई है। रॉन्ग साइड की बुनाई में देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बनाया है, ये जो राइट साइड में हम उल्टा बना रहे हैं उसे रॉन्ग साइड में हमें सीधा बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रॉन्ग साइड की बुनाई है, ये देखिए हमने उल्टा बनाया है तीन फंदों को, तो रॉन्ग साइड में हमें उसे सीधा बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब फिर से बाकी बचे नौ फंदे, तो नौ फंदों को हम ऐसे करके देखिए फ्रेंड्स इस तरह से उल्टा ही बना लेंगे, नौ फंदों को उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, अब तीन फंदों को हम सीधा बनाएंगे, तीन फंदों को सीधा बनाएंगे, बाकी जितने बचे हैं उसे हम उल्टा बना लेंगे नौ फंदों को। ये है इस तरह से, ऐसे बन गया। ये हमारी एक फ्लावर कंप्लीट हो चुकी है, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब फिर यही रिपीट फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना है। एक फ्लावर और बना के मैं आपको बताती हूँ। अभी फिलहाल 13 रो तक हमें ऐसे ही बनाना है जैसे पहले बनाया था। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी 13 रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इस फ्लावर को फिर से क्लोज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम तीन फंदों को एक फंदा बना लेंगे, फंदे को आगे करेंगे और तीन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। एक फंदे को ऐसे स्लिप करके ऐसे उतार लेंगे, दो फंदों को बनाएंगे और एक फंदे को इस पे ऐसे गिरा लेंगे, फंदे को आगे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो फंदों तीन फंदों को हमने उल्टा बनाया था, अब इस पे हम जाली बनाएंगे, एक दो तीन, तीन जालियाँ बनाने के बाद चौथी जाली पे फ्रेंड्स ये तीन फंदों को हम एक करेंगे, तीन फंदों को एक करेंगे और फंदे को आगे करके हम तीन फंदों को उल्टा बना लेंगे, ऐसे करके फंदा पीछे करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे और दो फंदों को बनाने के बाद इस स्लिप किए हुए फंदे को हम इस पे चढ़ा देंगे, फंदा आगे करेंगे, तीन फंदे जो उल्टे हैं उस पे हम जाली डालेंगे, ऐसे करके फ्रेंड्स इस तरह से चौथी जाली पे हम तीन फंदों को एक फंदा कर लेंगे, फंदा आगे करेंगे, तीन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, फंदा पीछे करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे और दो फंदों को ऐसे बनाने के बाद एक फंदे स्लिप किए हुए फंदे को इस पे चढ़ा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये डिजाइन कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है, आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ज़्यादा फैलेगा भी नहीं फ्रेंड, ये ऐसे हुए और अगर फैल भी जाता है, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।